अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेमुना शफाक टू सर्विस। फाइनली एंटी टेस्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी का। ऑनलाइन नहीं हो सकता था क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीजन चीटिंग, और 10 अगस्त तक जाएगा, आप लोगों का कैंपस में हो रहा है। तो आज की वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें करूंगी मैं। सबसे पहले ये कि 2019 में मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट इनटू ए यूनिवर्सिटी, इसमें आई वाज ट्राइंग टू बी वेरी फनी। तो उसमें मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं, कोई मेरी एम नहीं थी क्या, व्हाट डू यू से, कुछ मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मुझे उस बारे में पूछा जाए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आप लोगों को आंसर देती हूँ, या मैं सर्च करती हूँ, या मैं लोगों से पूछती हूँ। मगर वो एक फिर जर्नी स्टार्ट हो गई जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसके क्वेश्चंस को आंसर किया। तो इट्स बीन इनक्रेडिबल यू गाइस, बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला मुझे, हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स और डीएम्स। और जो नॉर्मल वीडियोस भी मैं पोस्ट करती हूँ उसमें भी नीचे लोगों ने पूछा होता है बीबीए का मेरिट क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके आंसर करने की, और मुझे बहुत खुशी होती है कि, और सोल मकसद ये है कि जो चीज़ें, अगर मैंने कोई मिस्टेक्स की, अगर मैंने कोई चीज़ सीखी तो वो आप तक आ जाए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक मकसद है। तो या थैंक यू सो मच। सेकेंडली, एक यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के हिसाब से अगर आप क्लियर करते हो या आप क्लियर नहीं करते हो, इट डजंट मैटर, आई एश्योर यू इट डजंट मैटर। यूनिवर्सिटी हाँ मैटर करती है, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से जो रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। आपका कंपटीशन होता है, आपके इर्द गिर्द पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपको, तो ये एक रीज़न है। मगर क्या बहुत जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 120 अगर एक फील्ड की ग्रेजुएट हो रहे हैं एक साल में, तो आप रुकते हो 120 तो 120 एक्सेल करेंगे? नहीं, बहुत सारे लोग छोटी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के भी एक्सेल करते हैं। तो 80% आपका माइंडसेट और आपकी विल काम करती है लाइफ में, और 20% हाँ यूनिवर्सिटी का होता है। मगर हम बात ये नहीं करने वाले, हम बात ये करने वाले हैं ए यूनिवर्सिटी में अगर आपका टेस्ट है और आप बहुत ही परेशान हो, तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। ए यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत आसान आता है, आपको टेंशन नहीं लेनी, बस ये आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत आसान आता है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होती है सबकी। सिर्फ उस टाइम जो काम इंसान होता है, जो नर्वस नहीं होता, जो कि दिमाग में सोच के बैठा होता है ये तो मैं कर लूँगा, मुझे आता है, वो ज़्यादा परफॉर्म करके आता है। इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन कितनी है ये मैटर नहीं करती, आप उधर कितना डिलीवर करते हो वो मैटर करता है। और आप डिलीवर इस तरह करोगे कि आप जब सोचते हो यार ये तो हो गया, मतलब ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो क्या, एक यूनिवर्सिटी थोड़ी ना रह गई है, नेक्स्ट थोड़ी ना रह गई, कहीं ना कहीं हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, किसी छोटी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इट्स नॉट गोइंग डिफाइन योर फ्यूचर। तो आपको बहुत ही काम रहना है। बहुत सारे लोग 90% प्रिपेयर करके गए होंगे टेस्ट, मगर वहाँ पे नर्वसनेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, और डर रहे होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, तो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने परफॉर्म ज़्यादा करना है, प्रिपेयर हो गया आपका, प्रिपरेशन कम्प्लीट है आपकी। थर्डली, फील्ड क्या होगी आपकी, आप डिग्री क्या लेने वाले हो, 3-4 साल किस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। बहुत पीक पे हमारी एज होती है, बहुत ही प्रोडक्टिव होता है हम इस टाइम पीरियड में, 3 एज से लेकर 30 ईयर्स ओल्ड तक हम लोग बहुत अच्छी फॉर्म में होता है। तो सही चीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लो कि मुझे क्या करना है, बैचलर्स किसमें करना है। पहली राय मेरी ये है कि जो भी डिग्रीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, उनकी वैल्यू आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होगी। साइबर सिक्योरिटी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कोडिंग हो, IT हो, इस तरह की डिग्रीज हो, या बिजनेस से रिलेटेड डिग्रीज हो, वो बहुत अच्छी हैं, उनको करने की कोशिश करो। ये निकलाओ डॉक्टर इंजीनियरिंग से बाहर निकलाओ, अनलेस ये आपका पैशन हो और आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आपकी लाइन क्लियर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे बेतहाशा मैसेजेस आते हैं कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई कर दिया है, मुझे सॉफ्टवेयर में लेना था, मैंने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है मगर मुझे मैकेनिकल में भी लेना है, तो मैं क्या अलग से फॉर्म फिल करूँ, मैं मेल करूँ, मैं क्या करूँ? आपका सोल रीज़न ये होना चाहिए कि आप टेस्ट क्लियर करो, और वो भी अच्छे तरीके से क्लियर करो,
जब आप क्लियर कर लोगे फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। आप मुझे याद करवाना, हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे कि आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, ये आपका राइट है। आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट को प्रेशराइज करना पड़ता है, थोड़ा रोने धोने डालने पड़ते हैं कि यार नहीं मैं ये नहीं करना चाह रहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वरना वो नहीं करेंगे। खैर इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, मगर चेंज हो सकता है 100%। आपने इलेक्ट्रिकल में किया है, आप जाके उन्हें कहो नहीं मुझे मैकेनिकल करनी है, ये इट इज पॉसिबल, ठीक है, मगर वंस यू क्लियर द टेस्ट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अच्छे से आप यू गेट थ्रू द टेस्ट, ठीक है। तो सारा ध्यान अपना टेस्ट को देना है, आपने अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट करो, टेंशन लिए बगैर, बहुत बड़ी चीज नहीं है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 10th है, बहुत 10 यूनिवर्सिटीज हमसे ऊपर है, ठीक है। जिसका भी टेस्ट दे रहे हो आप, ISET का दे रहे हो, आप GK का दे रहे हो, बस आप टेंशन मत लो, जिसमें भी हो जाए। एयर यूनिवर्सिटी के अपने पर्क्स हैं, GK के अपने पर्क्स, तो या इट्स फाइन आप कहाँ पे सिलेक्ट होते हो। रही बात सब्जेक्ट्स की, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो BBA के लिए मैंने ये क्या प्रिपेयर करना है, इंग्लिश के लिए बहुत पूछते हो लोग कि इंग्लिश में मैंने क्या प्रिपेयर करना है। पहले तो इंग्लिश का टेस्ट मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसान आता है, और उसमें आप ग्रामर के क्वेश्चंस करो और पार्ट्स ऑफ स्पीच करो। इसका मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है, मैंने किसी से पूछा है। और बाकी सब अगर मैनेजमेंट है, एविएशन मैनेजमेंट है, BBA है, उसका मुझे सही से नहीं पता। टेस्ट बहुत ईजी आता है, इंजीनियरिंग के लिए एक ही रेशो है 30-30-40, केमिस्ट्री फिजिक्स इस तरह से करके, जो आप नस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो उसी तरह है। अगर कोई डिफरेंट फील्ड करवा रही है यूनिवर्सिटी, तो आप जब साइट पे अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हो, वहाँ पे सब गिवन होता है कि आपने पास्ट के पेपर्स यहाँ से ले लो, कोर्स का यहाँ से पता लगेगा, इतनी परसेंटेज का प्रिपेयर करो, वहाँ पे गिवन होता है, ऑप्शंस को देखो। तो इतनी डिटेल्स मुझे नहीं पता, बातें हो गई हमारी। जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप लोग, वो मैं आप लोगों को कॉमेंट में ही जवाब दे रही हूँ, DM में ही जवाब दे रही हूँ, क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट होना स्टार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली बातें, यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हो तो फिर क्या करना है। सो या कमेंट्स वगैरह करो जो भी क्वेश्चंस हैं, आई एम आंसरिंग, आई एम हियर, और गुड लक फॉर द टेस्ट, अच्छा सा करो, और मिलते हैं फिर यूनिवर्सिटी में। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब, बाय।